Hey guys, it's Vikram Singh from My Plant. और यार अगर आप लोगों को याद हो तो आज से एक महीने पहले YouTube पे, Facebook पे और बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हुई थी कि इंडियन गवर्नमेंट को वेनेजुएला सरकार ने जो है एक ऑफर दिया था कि भाई हम आप लोगों को क्रूड ऑयल यानी कि जो कच्चे तेल के बैरल्स होते हैं वो प्रोवाइड करेंगे 30% डिस्काउंट में, लेकिन उसके बदले में वेनेजुएलन गवर्नमेंट ने जो है एक शर्त रखी थी कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट को वेनेजुएला की जो क्रिप्टो करेंसी है जिसका नाम है पेट्रो उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसे करके वेनेजुएला गवर्नमेंट ने एक शर्त रखी थी और मैं मानता हूँ ये न्यूज़ तो आप लोगों ने सुनी होगी। रिसेंटली हमने देखा है इंडिया में पेट्रोल के प्राइसेस यार आसमान छू रहे हैं, कई जगह 85-87 रुपीस पर लीटर का भी पेट्रोल बिक रहा है और मैं मानता हूँ जिस तेज़ी से ये पेट्रोल बढ़ रहा है ना उस हिसाब से आने वाले टाइम में ये 95 या फिर 100 रुपया पर लीटर भी हो जाए तो भी हमें शॉक होने की कोई ज़रूरत होगी भी नहीं, क्योंकि भाई बहुत आप देख रहे हो प्राइसेस में कितनी ज़्यादा जल्दी से ये फ्लक्चुएट हो रहा है, कितनी ज़्यादा ये राइज हो रहे हैं। अगर इंडियन गवर्नमेंट वेनेजुएला के इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लेती तो मैं मानता हूँ अभी हम और आप जैसे लोग पेट्रोल को जो है कंट्री में 85 या फिर 87 के बदले 60 रुपीस पर लीटर पेट्रोल खरीद पाते अगर इंडियन गवर्नमेंट इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती तो, क्योंकि वहां पर क्लियरली उन्होंने बोला है कि भाई हम आप लोगों को 30% का डिस्काउंट देंगे और अगर हमारी गवर्नमेंट उनकी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके इस पेट्रोल को अगर खरीद लेती तो आराम से हम लोगों को ये पेट्रोल जो है 60 रुपीस पर लीटर का मिल जाता। लेकिन यार इंडियन गवर्नमेंट तो हमने देखा है पहले से ही उनकी जो मनमानी होती है वही करती है, भले ही इससे जनता का भला हो या ना हो उससे इन लोगों को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और उसी टॉपिक से रिलेटेड आज ये न्यूज़ है। रिसेंटली एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में हमारे इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है सुषमा स्वराज जी, उन्होंने इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि भाई वेनेजुएला की जो कंट्री है उन्होंने हमें ऑफ़र ज़रूर किया है 30% का, लेकिन हम उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारी कंट्री में RBI जो है वो बैंक्स पर बैन लगा चुकी है कि भाई कोई भी बैंक जो है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई भी रिलेशन नहीं रखेगा, और उसी चीज़ को देखते हुए हम लोग भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं समझते, और इसी चीज़ के चलते उन्होंने कहा है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट जो है वेनेजुएला के इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो यार ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगी यार, अगर ये लोग एक्सेप्ट कर लेते हम लोगों का भला हो जाता, कम से कम यार 60 रुपये पर लीटर का मिल जाता, 60 नहीं मान लो कि 65 रुपये का भी मिल जाता तो भी यार फ़ायदा ही होता, और यार कितना बढ़िया ऑफर था। आप यार सोच के देख लेते वेनेजुएला की ये जो क्रिप्टो करेंसी है पेट्रो इसको बहुत ज़्यादा सेफेस्ट क्रिप्टो करेंसी माना जाता है और वहाँ पर वेनेजुएला सरकार भी बस यही चाहती है कि उनकी जो फिनेंशियल कंडीशन है वो थोड़ी सुधर जाए इस क्रिप्टो करेंसी के द्वारा, तो यहाँ पर एक तरफ हमारा भी भला हो जाता दूसरी तरफ उनका भी भला हो जाता। लेकिन भाई हमारी इंडियन सरकार तो मतलब नहीं, जो इन लोगों को सही लगे ये बस वही करेंगे, ना ही इन्होंने इस तरफ का सोचा ना ही उस तरफ का, बस जो इनको सही लगा वो डिसीजन ले लिया। और जैसा कि हम सभी को पता है अल्टीमेटली रिजल्ट तो यही है कि हम और आप जैसे लोग अब बस पेट्रोल को 87 और आने वाले टाइम में 95 या फिर 100 रुपीस पे भी खरीदना पड़ेगा इस पेट्रोल को। लेकिन यार जो भी है मैं बस यही चाहता हूँ कि हमारी जो कंट्री में ये इंडियन गवर्नमेंट है क्रिप्टो करेंसीज को ऐसे निगलेक्ट कर रही है, मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ यार थोड़ा तो यार क्रिप्टो करेंसीज की प्रेफरेंस समझो। आपने बोला है कि इस पर हमने कमेटी बनाई है वो कुछ ना कुछ बोलेगी, लेकिन कब बोलेगी वो कोई नहीं बोल रहा है, बस बोल रहे हैं कि कमेटी बनाई है बिठाई है वो सब रिसर्च कर रही है, भाई सालों बीत गए लेकिन अभी तक कोई इसका रिजल्ट नहीं मिला। मैं बस यही चाहता हूँ कंट्री में हमारी गवर्नमेंट जो है वो यार क्रिप्टो करेंसीज को भी प्रेफरेंस दे, ये कोई स्कैम नहीं है, इनको भी बताए, बस ये जो कमेटी है जो भी इसका रिसर्च करना है जो भी करना है करो, फटाफट कोई ना कोई अल्टीमेट डिसीजन दो और यार थोड़ा बहुत तो क्रिप्टो करेंसीज के फेवर में कोई ना कोई डिसीजन ले लिया करो यार, क्योंकि अल्टीमेटली क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट करने से इनका भी भला होगा और हम लोगों का भी यार अल्टीमेटली भला होना ही होना है। तो गाइस न्यूज़ मैंने आप लोगों को सुना दी है, अब आपका जो भी रिव्यू है इस न्यूज़ पर आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताते जाना, और बस मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सेफ रहो हेल्दी रहो और हैप्पी रहा करो, मैं चलता हूँ, बाय बाय।